मध्य प्रदेश के प्रमुख महल, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुजरी महल, या इसको हम दान महल के नाम से भी जानते हैं। ये ग्वालियर में स्थित है और इसका निर्माण मानसिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मोती महल। मोती महल ग्वालियर में स्थित है और इसका निर्माण जीवाजी राव सिंधिया का महल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जयविलास पैलेस। जयविलास पैलेस ग्वालियर में स्थित है। इटालियन शैली पर निर्मित है। ये सिंधिया का निवास स्थान है एंड ये वर्तमान में ये संग्रहालय है, जयविलास पैलेस। नेक्स्ट है बघेलीन महल। बघेलीन महल मंडला में स्थित है और ये मोती महल के पूर्व में 8 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है मदन महल। ये जबलपुर में स्थित है और इसका निर्माण गोड राजा मदन शाह द्वारा कराया गया था। खरबूजा महल। खरबूजा महल धार में स्थित है और ये धार किले में स्थित है। राजा रोहित का महल। राजा रोहित का महल रायसेन के दुर्ग में स्थित है और इसका निर्माण राजबसंती द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है बादल महल, या इसको हम इत्रदार महल भी बोलते हैं, ये रायसेन में स्थित है। नेक्स्ट है हवा महल। हवा महल चंदेरी में स्थित है और इसका निर्माण कीर्तिपाल द्वारा कराया गया था। अशोक जिले में ये स्थित है हवा महल। नेक्स्ट है नौखंडा महल। नौखंडा महल चंदेरी में स्थित है। नेक्स्ट है राजा अमन का महल। ये इसका स्थान है अजयगढ़ पन्ना में स्थित है। ये इसका निर्माण अजयपाल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है जहांगीर महल। जहांगीर महल ओरछा में स्थित है और इसका निर्माण वीर सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है राज मंदिर महल। राज मंदिर महल ओरछा में स्थित है और इसका निर्माण वीर सिंह द्वारा कराया गया था। असरफी महल। असरफी महल मांडू धार में स्थित है। यह अफगानी कला में निर्मित कटोरी नुमा है, कटोरी नुमा आकृति का है असरफी महल। नेक्स्ट है दाई का महल। दाई का महल मांडू में स्थित है। वर्तमान में महत्वपूर्ण कलाकृतियों का संग्रहालय है ये। दाई का महल वर्तमान में महत्वपूर्ण कलाकृतियों का संग्रहालय है। नेक्स्ट है रूपमती का, रानी रूपमती का महल। रानी रूपमती का महल मांडू में स्थित है और ये बाज बहादुर का प्रेसी रानी रूपमती का महल कहलाता है। रानी रूपमती का महल मांडू में स्थित है और ये बाज बहादुर का प्रेसी रानी रूपमती का महल है।